हार्दिक रूप से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए बधाइयां देता हूँ। और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जिसके जरिए हम सब ये जान पाए कि कितने अच्छे पोटेंशियल माइंड्स हैं हमारे पास। तो मैं जो अभी टॉपर्स हैं 12th के 10th के और जो स्टूडेंट्स यहाँ उपलब्ध हैं उनसे एक चीज बताना पसंद करूंगा जो बहुत ही ज्यादा अहम है उनके आगे के करियर को डिसाइड करने में, कि ये नंबर्स से उठ जाइएगा क्योंकि हमें जज किया जाता है इस नंबर से। मगर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर का पोटेंशियल या हमारे जो आत्मशक्ति है वो आपका असल मार्क्स है, असल बल है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं 2005 से लेकर 2014 इंडियन नेवी में एज अ सेलर था। वहां 2010 में कुछ कारणवश में वो एक्सीडेंट हुआ और मुझे वहां से 2014 में मेडिकली बोर्डेड आउट होना पड़ा। 2014 के बाद मैंने सीए की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की और जो 2021 में मैंने सीए कंप्लीट किया। इस 7 साल में मैंने अपने आप से बहुत ज्यादा लड़ा। तो आपके सामने आप टॉपर होके शायद इतना ज्यादा ना सीख पाए, मगर एक बात अगर आप फेल हो गए ना, आप अपनी गलतियों से बहुत ज्यादा सीख सकते हैं। तो आपको जो एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए आपके अपने फेलियर को लेने की, वो बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। आप अपने फेलियर को कभी ऐसा मत सोचिए कि मैं मेरे अंदर ये काबिलियत नहीं है। आपको एक मौका मिल रहा है जिससे आप अपने आप को बेहतर कर सको। तो 2021 तक मैं पढ़ता रहा ऑलमोस्ट 7 ईयर्स, जहां मैंने अपने नौकरी को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की, जहां मेरे को ये समझ में आया कि सिर्फ पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें फील्ड में जाना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो आप इस बुक से आगे जाइएगा, अंदर उसके जो समाज में जो हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, जब आपको पता चलेगा कि कहां क्या है। और मैं एक चीज और बता देता हूं कि ये कंप्लीट करने के बाद मैंने यूपीएससी में सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं सबको पता है, मगर इसके अलावा भी एग्जाम्स होते हैं जो कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज है, जिसमें कोई नहीं जाता, जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है। हमें आईएएस आईपीएस पता है, उसके अलावा भी सर्विसेज है, उनमें जो स्कोप होता है उसमें बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली आपकी स्पेशलाइज फील्ड से नॉलेज आपकी पूछी है। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर आपने सीए कर रखा है तो इंडियन पोस्ट अकाउंट सर्विस आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देता है, उसका रिटर्न एग्जाम सिर्फ और सिर्फ सीए के बेसिस पे होगा। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में आप जब जाओगे वहां इकोनॉमिक्स मास्टर इन इकोनॉमिक्स की आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए, वहां आपका जो कंपटीशन है सिर्फ आपकी मास्टर्स के बेसिस पे होगा, न कि आपकी 12th बेसिस की यानी जनरल नॉलेज के, जो कि मेन यूपीएससी एग्जाम्स में अदर एग्जाम्स में होता है। तो इस बेसिस पे आप अपने आप को बहुत आगे तक लेके जाने का कोशिश